इसी प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है, दुर्योधन जब पांडवों के नए भवन में जाते हैं तो जहां जल दिखता है वहां वह धोती की लांग चढ़ा लेते हैं और वहां थल था, और जहां उनको थल दिखता है तो धोती की लांग को खोल देते हैं और धोती उनकी भीग जाती है। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे ऐसा भवन, ऐसी फर्श, और ये घटना द्रौपदी छत से बैठकर देख रही थी, झांक रही थी ऊपर से। महिलाओं का स्वभाव होता है छत के ऊपर से, बालकनी से, खिड़कियों से बेचारी झांकती रहती है, और झांकने का एक आनंद अलग होता है, आदमी झांकता बहुत है। तो उसने कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं। ये शब्द दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन को घाव छू गया कि इसके लिए कब, किस समय, कहां पर क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए, इस बात का विवेक यदि नहीं है तो आपके शब्द की गलती, शब्द की चूक बहुत विकराल रूप खड़ा कर सकती है, बहुत बड़ा खेल शब्द का होता है। सोचिए, दुर्योधन को बहुत दुख लगा और क्रोध भी आया, बोले इसका हम बदला जरूर लेंगे, और उसी के बदला में जुआ हुआ, द्रौपदी हारी, द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास किया गया। और मैं तो ये भी कहूंगा, यदि कोई शब्द बोलने में चूक जाए तो दुर्योधन बनकर बदला लेने का संकल्प मत लेना, क्योंकि वो चूक गया तो चूक गया, लेकिन अब तुम मत चूको, उसको वहीं पर क्षमा कर दो, बात को खत्म कर दो और नए अध्याय की शुरुआत कर दो। दुर्योधन मत बनो। अर्जुन ने बोलने की बहुत बड़ी कला थी, जब गंधर्वों की लड़की को दुर्योधन ने छेड़ा, गंधर्वों ने दुर्योधन को खंभे में बांध दिया, दुर्योधन के सीने पर भाला रख दिया, तलवारें उठा ली, अंगरक्षक दुर्योधन का पांडवों को बुलाने गया, भीम और अर्जुन वहां से आते हैं। भीम उदंड व्यक्ति का नाम है, जो कि समय पर विवेक करना नहीं जानता है, भीम है वो। और दुर्योधन घमंडी व्यक्ति का नाम है, भीम उदंडी है, दुर्योधन घमंडी है, भीम उदंड है, दुर्योधन घमंड में है, ये घमंड उदंड दोनों का टकराव है। अर्जुन एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। अर्जुन गंधर्वों से कहता है हाथ जोड़कर कि मेरे भाई दुर्योधन ने जो गलती किया है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। जिन आंखों से गलत देखा है आपकी लड़की को, उन आंखों की सजा मेरी आंखों को दे दो। जिन पैरों से दौड़कर इसने गलत किया है, उन पैरों का दंड मेरे पैरों को दे दो, और जिन हाथों से छुआ हो उन हाथों का दंड मेरे हाथों को दे दो। हे गंधर्वों, तुम मुझे दंड दो, सजा दो, मैं क्षमा मांगता हूं। तो गंधर्व ढीले पड़ गए अर्जुन की भाषा सुनकर, बोले अर्जुन मुझे पता है मैं आपसे लड़ नहीं सकता, आप अकेले काफी हैं हम सब गंधर्वों का विनाश करने के लिए, आपका एक बाण काफी हमको उजाड़ने के लिए, लेकिन आपकी ये महानता, ये ऊंचाई, ये नम्रता, ये सहनशीलता, ये क्षमा भाव हम लोगों को आज
आपका बना दिया है। अस्त्र शस्त्र वो डाल देते हैं, दुर्योधन के बंधन को छोड़ देते हैं और अर्जुन को गले लग जाते हैं कि अर्जुन तुम धन्य हो। अर्जुन के शब्दों की शक्ति से गंधर्वों से होने वाला युद्ध टल जाता है। याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह झगड़ा नहीं बढ़ाता है, मजबूरी में ही झगड़ा करता है, अन्यथा शांति से समझौता कर लेता है। यह बुद्धिमान का लक्षण होता है। अर्जुन में बोलने की कला थी, आप में नम्रता होना चाहिए। नम्रता से ओतप्रोत वाणी सामने वाले के दिल को जीत लेती है और मधुर वाणी लोगों के चित्त को खींच लेती है। हितकारी वचन लोगों का कल्याण कर देते हैं और मित वाणी लोगों को प्रसन्न कर देती है। बहुत लंबा चौड़ा बोलना, उससे भी लोग ऊब जाते हैं। बहुत लंबी बातें मत करो। कितने लोगों से पूछो आपका क्या हालचाल, तो बताते अरे घर से चले रहन रास्ते में साइकिल पंचर हुई गए, तो का जुड़वाओ गए जुड़वाए तो दोबारा फिर पंचर हुई गए, तो कोई हवा डरे वाला नहीं मिला तो ऐसे घसीटते लाए ना, और सब यू कोई हालचाल है, ये सब फालतू कहानी सुनाई रहे हो, इसको मत सुनाइए जी। हालचाल का मतलब है अपने दुखों को सुनाना, हालचाल नहीं होता है। जिसकी चाल ठीक रहती है उसका हाल ठीक रहता है, और जिसकी चाल बिगड़ जाती है उसका हाल बिगड़ जाता है, और चाल सुधर गई तो हाल सुधर जाता है। हाल चाल पूछने के पहले उनकी चाल देखो क्या है। जिन्होंने अपनी चाल नहीं सुधारी उनका हाल भी सुधरने वाला नहीं है, और जिन्होंने चाल सुधार ली उनका हाल बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए चाल को सुधारो तो हाल अपने आप सुधर जाएगा। और चाल कैसे सुधरेगी, चाल को कौन सुधारेगा? अच्छी संगत से चाल सुधरती है, अच्छी संगत से चाल सुधरती है, बुरी संगत से चाल बिगड़ती है। चाल चलन बिगड़ गया और सुख पाना चाहते हो तो अपनी चाल को सुधारो। बहुत बड़ी बात है चाल। चाल बदल लो तो हाल बदल जाएगा। चलना संभल संभल के, ये संसार में संभल संभल के चलो, क्योंकि जिस राह पर तुम जा रहे हो उस राह में आकर्षण बहुत है। उस राह के दोनों किनारे आकर्षण है, दोनों तटों पर कुछ चीजें आपको आकर्षित कर रही हैं। जिंदगी की राह में आपको शराब भी आकर्षित करेगी, कभी उसके आकर्षण में नहीं फंसोगे तो भी राह पर चल सकोगे। पुड़िया भी आकर्षित कर सकती है आपको, व्यभिचार आकर्षित कर सकता है, धन का लोभ और मोह आकर्षित कर सकता है, अभिमान भी आकर्षित कर सकता है। ये सब तुम्हारी राह के किनारों पर खड़े हैं और तुमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो इनमें आकर्षित नहीं होता है वही व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंचता है, और वो मंजिल कुछ और नहीं है, उस मंजिल का नाम सुख शांति और मोक्ष की मंजिल है। वो मंजिल मिलने के बाद फिर कहीं पहुंचना बाकी नहीं रह जाता। दो दिन